ये है हमारी लाइब्रेरी, यहाँ करेंगे हम बुक सबमिट आज। और कमबख्त ये इश्क भी ऐसी चीज है, हम उनके लिए पूरी महफिल सजाए बैठे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हमारा कॉलेज टूर का ब्लॉग रहेगा। आज आपको अपनी पूरी SSJ यूनिवर्सिटी दिखाएंगे और हमें आज अपना एडमिशन भी करना है 6 सेमेस्टर में। इसके बाद हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो दिखाएंगे हम आपको फुल प्रोसेस, ठीक है। और अभी हमारे उसमें लाइट नहीं है तो हम फ़ोन चार्ज करने के लिए आए हुए हैं न्यू विंग में, नहीं पुरानी विंग में। इसने फ़ोन लगा लिया है, मैं भी यहाँ पर लगाती हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारे वाले विंग में लाइट नहीं है। ये गांव जैसा हो रहा है, कभी लाइट ही नहीं है, कभी पानी ही नहीं है। आई डोंट नो हम किस गांव में रह रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं कॉलेज को और हमें पहले एडमिशन करना है, उसके बाद हमें लाइब्रेरी भी जाना है और ये बुक सबमिट करना है, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में हमें लाइब्रेरी बुक लेनी पड़ती है। देन नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको सबमिट करके नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक भी लेनी होती है। तो आपको आज लाइब्रेरी का भी दिखाएंगे, ठीक है। और अभी हम कॉलेज जा रहे हैं एडमिशन के लिए। 10 बजे से स्टार्ट था, 10:30 हो गया है और बहुत भीड़ हो सकती है। तो ये रहा हमारा कॉलेज और यहाँ से हमें नीचे जाना होगा IT डिपार्टमेंट में फॉर एडमिशन। नीचे है IT डिपार्टमेंट है, ये है सीढ़ियाँ। ये IT स्टूडेंट करिश्मा मेरे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। हमारी IT क्लास और ये कंप्यूटर, इसमें करिश्मा पढ़ती होगी और इससे आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। देन उसके बाद आपको ये फॉर्म मिलेगा, एक आपके पास रहेगा, एक फीस यहाँ वापस जमा करना पड़ता है, एक फीस काउंटर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट कॉपी, ये हमारे पास रहेगा। इंस्टीट्यूट कॉपी यहाँ सबमिट करना पड़ेगा, फीस वहाँ जमा करके हमें ये लाना पड़ेगा। और ये बैंक कॉपी हमें जहाँ फीस जमा करनी है वहाँ देना पड़ेगा ये वाली स्लिप। तो इसको कुछ इस तरीके से भरना पड़ता है। ये चल रही स्लोमो क्योंकि ये वीडियो बनाने में बिजी थी। आपको यहाँ कोरोना हो रहा है। अपने फॉर्म भर लिए, अब हम जाएंगे फीस काउंटर। तो अब हम जा रहे हैं फीस काउंटर पे फीस सबमिट करने। और हमारी फीस है 940 रुपीज़ मैथ्स ग्रुप की, और बायो ग्रुप वालों की है 1000 रुपीज़। तो ये है, यहाँ रहता है हमारा फीस काउंटर। हम यहाँ फीस सबमिट करेंगे। तो हम यहाँ तो एडमिशन करने के बाद हमें फीस सबमिट करने के बाद हमें एक स्लिप मिली है ये वाली। तो इसकी 2 कॉपी करके हमें फिर से जहाँ हम पहले गए थे वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और हमेशा एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता है, कभी कभी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी होते रहते हैं एडमिशन। जैसे न्यू सेमेस्टर वाले हैं, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, तो उनका अलग डिपार्टमेंट बताया जाता है। फीस रसीद, उसके साथ हमें अपना पहले सेमेस्टर का रिजल्ट की 2 कॉपी भी लगानी होती है, उसको भी सबमिट करना होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करें तो आप 10th तक लोगे, ठीक है। अगर एडमिशन में कोई भी दिक्कत हो ना तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। इनका नाम है गौरव भंडारी और ये क्या बताऊँ, स्टूडेंटों की हेल्प करते हैं, ठीक है। बताओ ना, अभी फर्स्ट टाइम हमारे अपना रजिस्ट्रेशन कराने 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की डेट खुली हुई है। हाँ। और CBSE वालों का भी रिजल्ट नहीं आया तो वो लोग भी चिंता मत करें, अभी और आगे बढ़ेगी रजिस्ट्रेशन की डेट, लेकिन अभी सब लोग रजिस्ट्रेशन। और ऑफलाइन एडमिशन कब होंगे वो भी बता दो। ऑफलाइन 10 के बाद ही होंगे, 10-15 के बाद, 10 जुलाई। हाँ, उनकी मेरिट बनेगी ना उसके बाद होंगे एडमिशन। बाकी 6 सेमेस्टर वाले भी चल रहे हैं एडमिशन, तो अभी लोग करा ले 4-5 दिन है। अभी हमारे एग्जाम का, हमारे एग्जाम अभी 11 से हैं, लेकिन अभी पीछे भी जा सकती है डेट शीट एक बार, तो पीछे ही जाएगी, डेफिनेटली जाएगी 5 दिन, वरना तुम भूख हड़ताल पे बैठोगे। ओके, हमारे साथ तुम बैठोगे नहीं। तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए हैं जो हमारी फीस रिसिप्ट की 2 कॉपी थी और हमारे रिजल्ट की, प्रीवियस सेमेस्टर की रिजल्ट की 2 कॉपी हमने सबमिट कर दी है। और हमें एक कॉपी मिली, मतलब एक कॉपी हमें अपने पास रखनी पड़ती है, 3 कॉपियाँ स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। अब हम जाते हैं लाइब्रेरी, बुक सबमिट करनी है, न्यू बुक लेनी है 6 सेमेस्टर की, क्योंकि 11 दिन में हमारे एग्ज़ाम है। ये है हमारा लाइब्रेरी का रास्ता, अब हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं। ये सामने वाली बिल्डिंग है हमारी लाइब्रेरी। ये है हमारी लाइब्रेरी, यहाँ करेंगे हम बुक सबमिट आज। और बुक लेने का डेट हमारी आगे है, तो हम नेक्स्ट डे आएंगे जब हम बुक लेंगे यहाँ से। अभी भीड़ बहुत हुई है शायद, और देखिए कितनी भीड़ हुई है यहाँ। तो ये हमारी बुक है, ये हमारा काउंटर है और और ये है सोमवार मंगलवार बुधवार को हम साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ से बुक ले सकते हैं और बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार को आर्ट्स वाले। फाइनली हमने बुक सबमिट कर ली है। अब हमारी फिजिक्स की क्लास है 12 बजे से, तो हम जाते हैं फिजिक्स की क्लास की ओर। होगा आपको ये है योगा डिपार्टमेंट, ये है मैथ्स डिपार्टमेंट, ये है बीए और नीचे है बीएफए और नीचे है लॉ डिपार्टमेंट और बीकॉम डिपार्टमेंट। अरे हैं फिजिक्स की क्लास में और फीस काउंटर पे आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। जब हम थे तब भीड़ नहीं थी। जितना जल्दी आओ उतना अच्छा है क्योंकि भीड़ कम मिलती है सुबह सुबह ना। गाइस अभी सुनने में आ रहा है कि हमारी फिजिक्स की क्लास आज हो नहीं रही है क्योंकि जहाँ हमारी क्लास लगती थी वहाँ एडमिशन हो रही है। बाई वालों की हो रही है, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर वालों की हो रही है, आई डोंट नो, आई मीन फोर्थ सेमेस्टर। हमारी क्लास यहाँ हो रही, शायद सब जा रहे हैं। आज हमारी क्लास यहाँ MSc में लग रही है, तो भर रखी है क्लास। ये मेरी क्लास है, मेरा 1 hour later। तो फाइनली गाइस हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, अब हम चलते हैं। चल आजा, आज सब बच्चे जाने लग गए। ये मेरी क्लास है क्योंकि मैं MSc फिजिक्स ही ऐसे करूँगी। अच्छा ठीक है, करना आप ही करना। हाँ एडमिशन हो जाएगा। ये कर रहे यहाँ पे एंकरिंग, जब MSc में तेरी फ्रेशर होगी ना तो करना है यहाँ पे। तो आज हमारी क्लास लगी थी MSc क्लास में क्योंकि वहाँ एडमिशन हो रहे थे तो हम नीचे आ गए थे। तो फाइनली आज हमारे सारे काम हो चुके हैं, एडमिशन से लेके क्लास भी लगा ली है और बुक भी सबमिट कर ली है, लाइब्रेरी भी चले गए। तो अब हम जा रहे हॉस्टल को, सामान भी लेके आ गए हैं ना। तो आपने देख लिया होगा आज हमारा कैंपस। गाइस करिश्मा के सब्सक्राइबर I mean 2 से फॉलोवर्स इंक्रीज हो चुके हैं, वो भी 5 फॉलोवर आ गए हैं, खुश होगी है। तो हमारे साथ आज हमारी नई फ्रेंड आ चुकी है गडेरा से, सोनी, बहुत दिनों बाद। चल सोनी एक शायरी हो जाए। कह दो कोई उनसे भी, वाह, कह दो कोई उनसे भी कि थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाले, हम उनके लिए पूरी महफिल सजाए बैठे हैं। वाह वाह, उनके लिए पूरी महफिल सजाए बैठे हैं। कमबख्त ये इश्क भी ऐसी चीज है, हम उनके लिए पूरी महफिल सजाए बैठे हैं और वो किसी और के इश्क में पागल हुए हैं। वाह 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 वाह, सोनी ने बहुत अच्छी शायरी बोली। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और बोलते रहिए हमारे ब्लॉग में शायरी। आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा था संया वाला, तो हम संया चैलेंज करेंगे। आर यू रेडी गाइस फॉर संया चैलेंज? स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट विद करिश्मा। करिश्मा स्टार्ट करेगी, चल। क्या बोलना है? सैया। ओके सैया, तालियां बजानी है क्या? चल सैया 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 सनी सैया। अब मेरा सुनो, मेरा सुनो। सैया एक साथ सैया। ये रहा हमारा सैया चैलेंज। एक बार हम फिर से स्टार्ट करेंगे, लास्ट होगा गाइस। इसमें आपको मार्किंग करनी है कि किसका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है? तो ये फाइनल हमारा राउंड है। लेट्स स्टार्ट विद करिश्मा। सैया 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 दया बेस। तो प्लीज बताइए किसका सबसे बेस्ट रहा, कौन सा सैया चैलेंज? हाँ, क्या हमने अपना सैया चैलेंज पूरा किया कि नहीं? और आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट चैलेंज हमारा क्या रहेगा। ओके हम वो चैलेंज कंप्लीट करेंगे। आप ईटिंग चैलेंज दे। नो नो नो, यही जीतेगी फिर। आप हमें कमेंट बॉक्स में न्यू चैलेंज दीजिए, हम उसको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का करेंगे, पक्का डेफिनेटली आप जो भी चैलेंज दोगे। सो गाइज ये हमारा डिनर, क्योंकि आज हमारे हॉस्टल में बने थे चने, जो हमें नहीं पसंद, हम चने और आलू नहीं खाते, तो आज हमने बनाए अपने लिए डोसा। ये करिश्मा ने बनाया, ये है हमारी कुकमैन। कैसा रहा? कुछ कैसा रहा? टेस्टी हो रहा, टेस्टी। कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? ओके गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। बाय। ओया से मीना साई सयोनरा। कितनी बार बोली?